नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस माई टारगेट भाई मौर्य सर पे। दोस्तों, अभी अभी यूपी बोर्ड की तरफ से अपडेट आया हुआ है सभी लोगों के लिए। जितने भी 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनका दोस्तों परीक्षा तो बीत चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए बता दिया जाए कि बहुत अच्छी खबर है, उनका मूल्यांकन का काम दोस्तों डेट जारी हो चुका है। और उनका मूल्यांकन का पूरा डेट, लास्ट डेट कब तक इनको पूरा कर लिया जाएगा ये भी डेट जारी हो चुका है। और आप लोगों को बता दिया जाए कि रिजल्ट कब आप लोगों का आएगा, वो भी डेट जारी हो चुका है। तो साथियों, आप लोगों को इस वीडियो में पूरा बताएंगे। आप देखते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हर स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट है 10th और 12th वाले। ठीक है, यूपी बोर्ड के 10th के परिणाम देख सकते हैं दोस्तों, 2020 का इंतजार कर रहे स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। आप लोगों को बता दिया जाए कि ये इसके कॉपियों की जांच 4 मई से शुरू होगी दोस्तों, और 24 मई के तक पूरा कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं 4 मई तक इसका जांच शुरू होगा और 24 मई तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, ये 4 मई से 24 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। आप सभी लोगों के बीच 20 दिन के अंदर में कॉपियों की जाँच भी शुरू हो जाएगी, 20 दिन के अंदर में आप लोगों का ये पूरा भी कर लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि उसके बाद रिजल्ट कभी भी ऑफिशियल साइट पर जारी हो सकता है। 24 मई के बाद कभी भी आपका रिजल्ट, ये 10th और 12th का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कभी भी ऑफिशियल साइट। आप लोगों को बता दिया जाए कि तो ये देख लीजिए upresult.nic.in, ये ऑफिशियल साइट है दोस्तों, ये कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं है, ये ऑफिशियल साइट है। ठीक है, इस पर आप अपना रिजल्ट चेक करिएगा, इस पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को बता दिया जाए दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा खत्म हो चुकी है, अब छात्र छात्राओं की परीक्षा रिजल्ट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद UPSEC ने कहा कि 5 मई 2020 से यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया दोनों कक्षाओं 10वीं और 12वीं का ही शुरू होगा, ठीक है, एक ही साथ। अब आप लोगों को बता दिया जाएगा, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड ने जून से पहले सप्ताह में 10वीं और 12वीं कि बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। मतलब आप लोगों को बता दिया जाए साथियों कि जितने भी आप लोग 10th 12th के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जितने भी 10th 12th के हैं, सभी लोगों को वीडियो शेयर करिएगा, जितने भी अनजानकार लोग हैं जानकारी प्राप्त करवाइएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में महामारी के कारण कोई भी छूट ना पाए, किसी भी अनजानकार लोगों को जानकारी प्राप्त करवाइएगा। आप सभी लोगों की, जो भी आप अगर हमारे चैनल से वीडियो देख रहे हैं, चाहे किसी भी अदर जानकारी से, चाहे अदर सदस्य के हिसाब से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब आप लोगों को आगे की अपडेट देता हूँ, लिंक ऑफिशियल साइट भी आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यूजर हैं तो हमारी टीम, हमारी फैमिली मेम्बर से जुड़े हैं। आप सभी लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत ही सुनहरा मौका है, अगर आप हमारी टीम, हमारी फैमिली मेम्बर से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा अगर आप जुड़ जाते हैं तो। साथियों, सभी लोगों के लिए जो भी हमारी टीम वीडियो प्रोवाइड कराएगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपको मिलेगा। ठीक है, आपका रिजल्ट कभी भी अगर जारी हो जाएगा दोस्तों 24 मई के बाद तो आप लोगों के लिए दोस्तों, जैसे ही अगर आप जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को हमारी टीम मैसेज कर देगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल साइट ये, इस पर जारी होगा आपका रिजल्ट। ये ऑफिशियल साइट मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये दोनों ऑफिशियल साइट आप लोगों के लिए काम आने वाला है दोस्तों। ये दो ऑफिशियल साइट है, आप देख सकते हैं, एक नहीं है, दो ऑफिशियल साइट है दोस्तों। ये ऑफिशियल साइट दो है, यूपी आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए ऑफिशियल साइट है दोस्तों। 3-4 ऑफिशियल साइट मैं आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उससे आसानी से आप एक पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे आप आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के सभी रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है, तो यह ऑफिशियल साइट है, आधिकारिक वेबसाइट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि रिजल्ट भी यहीं पर जारी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तीसरी बार से छोड़ के चौथी बार भी बढ़ाया गया है दोस्तों। तीसरी बार तो बढ़ ही चुका था, चौथी बार भी बढ़ा दिया गया है। आप लोगों को बता दिया जाए कि 25 मई तक मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि आपका रिजल्ट 25 मई के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप लोग जितने भी हैं, सभी लोगों के लिए एक बात और बता दी जाए कि यूपी बोर्ड से जितने भी रिलेटेड आप स्टूडेंट हैं, आप लोग यूपी बोर्ड के अगर हाई लेवल पे जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आप लोग हैं दोस्तों, आप लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपसे इससे कोई भी रिलेटेड खबर मिलेगा तो सबसे पहले हमारी टीम इस हमारे चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कराएगी, उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, दुआ करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो के लिए आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके आप सभी लोगों के बीच, फिर से एक बार